तो गाइस आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको करके कि विंडोज़ 11 में इंटरनेट को स्किप कैसे किया जा सकता है, बिना इंटरनेट के आप आगे बढ़ सकते हैं। आप तो बहुत सिंपल सा तरीका है। अगर मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ, दिखाता रहता हूँ। तो अपने कंप्यूटर में शिफ्ट प्लस F10 को दबाएं एक साथ। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक कमांड खुल के आ चुका है, CMD जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे ये लिखना है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, OOBE/bypass-enro। इतना टाइप करना है आपको। इतना काम करने के बाद आपका ये वर्क इंटरनेट स्किप 100% हो जाएगा, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। उसके बाद फिर आपको इंटर मारना है, आपको इंटर प्रेस करना है। तो इंटर प्रेस कर देना है आपको। यहाँ देख सकते हैं PC रीस्टार्ट हो चुका है और ये फिर से जैसे विंडोज़ स्टार्ट होता है स्टार्टअप पर चला जाएगा। ये विंडोज़ स्टार्टअप पर गया, ये कंप्यूटर रीस्टार्ट हो चुका है। तो विंडोज़ स्टार्ट हो गया ये, और यहाँ से आपको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, यस करना है। इसके बाद यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ही रहने देना है, अगर आप इंडिया से हैं तो। यहाँ पे इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर देना है आपको और यहाँ से स्किप करना है और उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आई डोंट हैव अ इंटरनेट, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू विथ लिमिटेड सेटअप, इस पर क्लिक करना है आपको और आपका काम 100% हो गया। तो आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन अगर नहीं है तो आप इस तरीकों को अपना सकते हैं, या फिर ज़्यादा टाइम लग रहा है आपके साथ तो इस तरीके को अपना सकते हैं। बहुत शॉर्टकट में आप अपना वर्क कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन देने के बाद विंडोज़ 11 कई काफ़ी टाइम अब तक अपडेट लेता है, उसके बाद सेटअप पूरा होता है। तो गाइस इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल पर अगर नया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।